आओ दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेआ। भारतीय गायक, गीतकार, मॉडल और राजनेता, जिसने लोगों के दिलों में छोड़ी अपनी छाप। पंजाबी गीत सोहाई से मिली पहचान। युवाओं के बीच थी जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग। जी हां, सिद्धू मूसेवाला एक किसान के घर में जन्मे और भारत की मिट्टी में ही पले बड़े। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू मूसेवाला का जन्म पंजाब के मूसा गांव मानसा में हुआ था। सिद्धू पंजाब के साधारण पंजाबी परिवार में जन्मे। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 में हुआ था। इनके परिवार में उनके पिता श्री भोला सिंह सिद्धू जी और माता श्रीमती चरण कौर सिद्धू जी और उनके बड़े भाई श्री गुरप्रीत सिद्धू हैं। सिद्धू मूसेवाला बचपन से ही संगीत में अपना करियर बनाना चाहते थे और स्कूल के समारोह में संगीत भी गाया करते थे। सिद्धू मूसेवाला के संगीत गाने से पहले उन्होंने पहले संगीतों को दूसरे गायकों के लिए लिखा, लेकिन कुछ समय बाद सिद्धू मूसेवाला उन गीतों के शब्दों को अपने मुंह तक ले आए और खुद ही संगीत की दुनिया में आ गए। सिद्धू मूसेवाला के गानों को सुनकर उन्हें करोड़ों लोगों का सपोर्ट मिला। सिद्धू ने अपने कम उम्र में ही कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन्हें सब सिद्धू मूसेवाला कहने लगे। सिद्धू का करियर। एक किसान परिवार में जन्मे और किसान के साथ साथ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही उनका गीत संगीत की तरफ रुझान था, जिसके चलते विद्यालयों, कॉलेजों, इन सभी में उन्होंने गाने गाए। सिद्धू मूसेवाला ने पहले बहुत से संगीतकारों के लिए गीत लिखे, बाद में खुद एक गायक बन गए। सिद्धू मूसेवाला का संगीत में करियर साल 2016 में शुरू हुआ। शुरुआती दौर में उन्होंने अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा, जिसे आवाज निंजा सिंगर ने दी। ये गाना बहुत जल्दी लोकप्रिय भी हो गया था। साल 2017 में सिद्धू मूसेवाला ने खुद ही जी वैगन गाना गाया, जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया। सिद्धू मूसेवाला की आवाज लोगों को बहुत पसंद आई और फिर सिद्धू ने अनगिनत गानों की बौछार लगा दी। सिद्धू मूसेवाला ने बहुत सारे गाने लिखे और गाए, जो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर रहे, क्योंकि सिद्धू की टारगेट ऑडियंस यूथ ही थी। सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 के बारे में कहा जाता है कि ये एक मोटिवेशनल गाना है और इसका उनकी मौत से संबंध है। जैसे कि उनकी मौत 29 मई 2022 में हुई थी, तो लोगों का मानना है कि सिद्धू मूसेवाले को पहले ही पता था कि 29/5/2022 को वो हमें छोड़ देंगे। इसलिए 295 में एक कोड भाषा में अपना संकेत दिया और आज ये गाना करोड़ों व्यूज पा चुका है। सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु पर दुनिया शोक में डूबी हुई थी। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की खोज भी हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के कारण क्या है? सिद्धू मूसेवाला ने संगीत की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। उनकी लोकप्रियता के चलते उन्होंने राजनीति में कदम भी रखा और फिर उनके दुश्मनों की गिनती और ज्यादा बढ़ती चली गई। सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके बॉडीगार्ड रहने लगे, पुलिस फोर्स भी रहने लगी, लेकिन एक समय के लिए उनके सिक्योरिटी को हटा दिया गया और सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे थे। इसमें शूटर पहले से ही आंख गड़ाए बैठे थे और मौका पाकर सिद्धू मूसेवाला को घेर लिया गया और फिर 30 गोलियों की बौछार से उनकी मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके दोस्तों को भी गोली मारी गई, लेकिन वो बच गए। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बरार ने ली। गोल्डी बरार ने कनाडा में बैठे ही इस बात की जिम्मेदारी ले ली थी। उसने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। सिद्धू मूसेवाला को मारने के पीछे उनकी कामयाबी से जलने के कारण और साथ ही साथ कुछ निजी कारण बताए गए। तो इस तरह यूथ में फेमस यंग पीढ़ी के मल्टी टैलेंटेड सिंगर का दुखद अंत हो गया, लेकिन फैंस के बीच उनके गाए गानों से वो हमेशा अमर रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज़।